नमस्कार दोस्तों, आज आपका पाल मिश्र ज्ञान चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको बताएंगे कि आपकी कितनी शादी होगी और कितने लड़के और लड़कियों के साथ आपका रहेगा संबंध। आज इस विषय पर चर्चा करूंगा कि आपको एक एक करके इसके कई लेवल होते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया तो आपको पूरा इसका ज्ञान हो जाएगा कि आपको आपके लाइफ में कितने पार्टनर आपके पास होंगे। और इस वीडियो को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज तक हमारा आपने वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो हमारी अगली नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जैसे कि कहा जाता है कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध हमारे कनिष्ठा अंगुली के नीचे पाया जाता है और ये पर्वत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विवाह और शादी का कारक हम हस्तरेखा शास्त्र में बुध पर्वत के ऊपर ही देखते हैं। जैसे कि आइए हम आपको आपके हाथों पर इसको दर्शाते हैं कि बुध पर्वत है कहाँ। बुध पर्वत, ये हमारा बुध का पर्वत है, इसको हम बुध पर्वत कहते हैं, क्योंकि इस पर्वत को हम पाणे रेखा, विवाह रेखा, प्रेम रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे कि हस्त रेखा में इसको अगर ये अशुभ लक्षण है तो कई बार 3-4% लोगों का विवाह भी नहीं हो पाता है। तो आइए हम आपको एक एक करके इसके लेवल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ये हमारे ये बुध का पर्वत है, बुध का पर्वत का जो भी पार्ट है, अगर ये काफी अच्छा है, मतलब इसका पर्वत उठा हुआ है, इसके पर्वत के ऊपर पाए जाने वाली छोटी सी रेखाएं हमारी विवाह रेखा का नाम देती है, हमारे पाणि रेखा का नाम देती है, तो इस विषय पे हमारी आपकी चर्चा होगी आज। जैसे कि बुध का पर्वत है, बुध का पर्वत ये हमारी जीवन रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा, ये हमारी हृदय रेखा, ये सभी के हाथ में पाई जाने वाली ये तीन रेखाएं हर एक इंसान के हाथ में मिल जाती हैं। लेकिन विवाह रेखा अगर आपकी सुंदर और किसी प्रकार की उसमें कोई क्रॉस नहीं है, तिल नहीं है, तो इसको हम सफल विवाह रेखा कह सकते हैं। जैसे कि हमने टाइटल में दिया है कि कितने लड़के और लड़कियों के साथ आपका संबंध होगा, उस विषय पे हमारी चर्चा होगी। अगर मान लो ये हमारा जो बुध का पर्वत है, ये बुध का पर्वत है और ये हमारी हृदय रेखा है, जब भी बुध पर्वत के करीब विवाह रेखा, जिसको हम पाणि रेखा बोलते हैं, ये जितनी करीब होगी उतना जल्दी विवाह करवाएगी आपका। अगर ये रेखा जितनी दूरी बना के चलेगी उतना आपका विवाह देर में होगा, ऐसा इस हमारे हस्त रेखा शास्त्र में लिखा गया है। जैसे कि अगर आज हम बुध रेखा की बात करते हैं, बुध रेखा से अगर आपकी एक रेखा प्रबल है और उस रेखा के साथ छोटी रेखाएं होती हैं, तो ये विवाह का संकेत भरती हैं। विवाह का संकेत भरती है कि आपका विवाह होने के लिए तत्पर है, आप प्रयास करेंगे तो आपका विवाह हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर ये विवाह रेखा के ऊपर दीप का चिन्ह है या विवाह रेखा में दोष है तो आपका विवाह भी नहीं होता, ऐसा इस रेखा का अनुमान लगाया जा सकता है। सबसे पहले हम आते हैं इस बुध रेखा और बुध पर्वत के ऊपर, क्योंकि बुध पर्वत ही एक ऐसा प्लैनेट है
हस्तरेखा शास्त्र में जो कि हमारे कनिष्ठा अंगुली के नीचे पाया जाता है, इसका कनेक्शन हमारे शुक्र पर्वत से भी होता है। सबसे पहले हम विवाह रेखा की बात करते हैं। अगर मान लो ये विवाह रेखा आपकी पूरी तरह से लंबी है और इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो आपका विवाह बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसके साथ एक छोटी रेखा का होना जरूरी है। जैसे कि हमने अभी विवाह रेखा की बात की, क्योंकि विवाह रेखा में और भी लक्षण देखना हमें जरूरी होता है, नहीं तो विवाह होने में काफी हमें दिक्कत उठानी पड़ेगी, विवाह काफी हमारा देरी से होगा। तो उस के हिसाब से अगर आपका मान लो ये विवाह रेखा चलकर दो साखी हो जाए, इसको हम दो साखी रेखा बोलते हैं, तो ऐसे लोगों का विवाह जल्दी नहीं होता है। अगर होता है तो बड़ी मुश्किलों के साथ होगा, क्योंकि विवाह दो साखी का मतलब इंसान का विवाह ना के बराबर होता है। अगर दूसरा लक्षण हम देखते हैं, अगर ये विवाह रेखा आपकी है और ये टूट टूट के चलती है, तो इसका मतलब आपका विवाह जो होगा टूट जाएगा। तो होने के साथ विवाह रेखा आपका टूट जाएगा और विवाह ना होने का भी ये लक्षण माना जाता है। ऐसी विवाह रेखाएं जो इंसान के हाथ में पाई जाती हैं, तो विवाह होना बड़ा मुश्किल होता है, और होता भी है तो टूट जाता है। अगला पॉइंट हमारा, अगर इस विवाह रेखा से एक रेखा हमारी इस बुध के पोर पे पहुंच जाती है, अगर बुध के पोर पे पहुंचती है तो इसका मतलब ये विवाह हमारा होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर होगा तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जो विवाह है वो हमारे बुध के पर्वत पे पहुंचने पे, अगर ये टेढ़ी मेढ़ी शाखाकार से निकलकर ये बुध के पर्वत पे जाती है, तो इंसान को डेथ का कारण यहाँ पे माना जाता है। अगर यही विवाह रेखा चलकर इसके ऊपर दीप है, दीप जैसे कि हस्तरेखा शास्त्र में बताया गया कि कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता है, अगर दीप है तो काफी कष्टमय होगा और इंसान व्यक्ति का जो सेहत होगी वो काफी बीमार सा रहेगा और उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दीप जब तक इस विवाह रेखा के ऊपर विद्यमान है तो विवाह होने में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। अगला हम देखते हैं लक्षण, जैसे कि आपका विवाह अगर आपका विवाह रेखा आपकी इस हमारे हृदय रेखा के ऊपर आके रुक जाती है, तो इसका मतलब कि अगर आपका विवाह होगा भी तो काफी अलगाववाद का नियम यहाँ पे लागू होगा, एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते, एक दूसरे से दूरियां बनाएंगे और विवाह होने के साथ साथ काफी उनको परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ेगी, क्योंकि बुध रेखा जिसको हम विवाह रेखा कहते हैं अगर हमारे हृदय रेखा पे आकर टच करती है तो ये काफी अच्छा नहीं माना जाता। तो अगला लक्षण हम देखते हैं कि अगर एक विवाह रेखा, अभी हमने बताया कि विवाह रेखा से अगर बुध के पर्वत पे जाती है तो इंसान का विवाह नहीं होता, अविवाहित रहता है और साथ में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और दूसरा, जैसे अभी हमने बताया कि अगर विवाह रेखा के ऊपर दीप है तो वैचारिक मतभेद भी रखता है, लेकिन अगर हमारी इस विवाह रेखा से एक शाखा हमारी सूर्य के पर्वत के ऊपर पहुंच जाती है तो ये काफी अति उत्तम रेखा मानी जाती है। इसका जो श्रेय होगा वो काफी, जिस व्यक्ति से विवाह होगा काफी अच्छे ओहदे वाले से, काफी नेम फेम वाले व्यक्ति के साथ उसका विवाह हो जाएगा। अगर इसी रेखा को, ये सूर्य की रेखा
सूर्य की रेखा को अगर एक विवाह रेखा यहाँ मिलती है तो इसका मतलब नेम फेम व्यक्ति प्रसिद्ध वाला होगा जिसके साथ होगा। लेकिन अगर इसी रेखा को ये काट देती है तो इंसान को वहां पे बेइज्जती का सामना करवाएगी, उसके ऊपर कलंक जैसे काम करेगी, उसकी बदनामी हो जाएगी। अगला हम लक्षण देखते हैं हस्तरेखा में। हस्तरेखा में कई ऐसी रेखाएं होती हैं जो कि हम इसको बताने के लिए अगर पूरी तरह से आपने एक चिन्ह के ऊपर कभी भी नहीं ध्यान रखना कि एक ही संकेत से सब कुछ हो जाएगा, उसके लिए हमें हस्तरेखा में और भी लक्षणों को देखना जरूरी है। जैसे कि अब ये विवाह रेखा हमारी हृदय रेखा को क्रॉस किया, हृदय रेखा के साथ ये हमारी मस्तिष्क रेखा को क्रॉस किया, तो ये वैचारिक संबंध को दूरी बना देती है। मतलब इंसान का जो विवाह होगा वो तलाक में कन्वर्ट हो जाएगा और विवाह की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि एक दूसरे से दूरी बना लेंगे और विवाह का कोई उसमें रंग रूप नहीं माना जाएगा, हमेशा के लिए वो अपने लाइफ से अलग हो जाएंगे। ऐसा देखा गया कि कोर्ट कचहरी तक ऐसे मामले पहुंच जाते हैं जो कि डिवोर्स का कारण भी बन जाता है। अगला लक्षण हमारा जो विवाह से रिलेटिव है, जैसे कि अगर एक विवाह रेखा, ये हमारी विवाह रेखा है, अगर एक विवाह रेखा हमारी इस शुक्र पर्वत से आके इस विवाह रेखा को काट देती है, इस विवाह रेखा को काटने से आपके पारिवारिक जो रिश्ते होंगे उसकी वजह से विवाह होने में दिक्कत होगी, उनके तर्क कुतर्क से आपके विवाह होते होते रुक जाएंगे, इस चीज का संकेत हस्तरेखा शास्त्र में यहाँ पे भी मिलता है। तो अगला हम चिन्ह देखते हैं हस्तरेखा शास्त्र में, एक ही पर्वत पे एक ही लाइनों को लेके नहीं चलना, बाकी उसके हम पर्वतों को भी देखेंगे। जैसे कि कहते हैं कि अगर आपका, हमने टाइटल में बताया है कि एक के साथ कितने और संबंध होंगे उसके विषय में भी अब चर्चा करेंगे हम आपसे, कि जैसे मान लो ये दो, एक दो तीन, तीन रेखाएं प्रॉपर हैं, तीन रेखाएं प्रॉपर हैं, इसमें संभवतः ये बराबर हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो इसको हम तीन विवाह का भी योग कह सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम सबसे संतान की जो सुख की प्राप्ति होगी वो जो तीसरा विवाह होगा, संतान का सुख वहां से मिलेगा। दो विवाह के सुख से आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी, ना सुख मिलेगा, सिर्फ ये विवाह के बात व्यक्त करता है कि इंसान की तीन शादियां होगी, लेकिन जो तीसरा विवाह होगा उससे संतान प्राप्त का संयोग बनेगा। अब विवाह रेखा की एक बात और देखते हैं कि जैसे मान लो ये विवाह रेखा है आपकी, विवाह रेखा से एक पैरल में चलने वाली रेखा, इसको हम पैरल में चलने वाली रेखा कहते हैं। अगर हाथ के बुध पर्वत के नीचे से पैरल को चलने वाली रेखा को हम विवाह रेखा कहते हैं, ये भी इसको प्रेम संचार की रेखा बोलते हैं। अगर इस हमारी विवाह रेखा से पहले ये प्रेम संचार की रेखा यहाँ पे मौजूद है तो इंसान का विवाह होने से पहले उसको किसी ऐसे संबंध की सूचना देता है कि विवाह के पहले उसका किसी के साथ संबंध रहा था। दूसरा, अगर ये विवाह हो गया, विवाह होने के बाद ये अगर यहां से पैरेलल भी रेखा चलती है तो विवाह के साथ साथ भी उसका संबंध चलता है, ये पैरेलल रेखाएं इस चीज के ऊपर दर्शाती हैं। और अगर किसी पुरुष के हाथ में, किसी पुरुष के हाथ में दाहिने हाथ में अगर उसके दो विवाह रेखा है और बाएं हाथ में उसके एक विवाह रेखा है, दाहिने हाथ में दो विवाह रेखा और बाएं हाथ में एक विवाह रेखा है,
तो ऐसे इंसान की पत्नी पति का ख्याल नहीं रखती है, इस चीज का भी यहां पे जिक्र किया जा सकता है। वही अगर व्यक्ति के हाथ में पत्नी के पति के हाथ में बाएं हाथ में दो रेखाएं हैं और दाहिने हाथ में एक रेखाएं हैं, तो पति पत्नी जो है पति का पूरा ख्याल रखेगी, उसका आ, आ, पवित्र जैसे रिश्ता होगा, उसके जो संस्कार होंगे उसके होंगे पति की सेवा के काबिल बनी जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को इसके बारे हस्तरेखा के बारे में पता लगे कि हस्तरेखा सास के माध्यम से हम हर चीज का आकलन कर सकते हैं और इसका पूरा निष्कर्ष हमारे हस्तरेखा सास में पाया जाता है। तो इसी के साथ मैं अलविदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।